हम लोग इस वक्त जब लोगों से बात कर रहे थे तो हमें खुशबू आई या एक महक आई जो कि वॉलोनी की थी। तो हमने देखा आप जो हैं एक स्प्रे रखी हुई हैं, वो स्प्रे जनरली जब चोटें लगती हैं या जब खिंचाव हो जाता है मसल्स में तो वो स्प्रे होता है। तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस आंदोलन में ये स्प्रे लेके आखिर वो आप लोग क्यों घूम रहे हैं। जी क्या नाम है मैम आपका? अच्छा वैसे मुझे तो याद आ रहा है कि जब आप चंद्रशेखर आज़ाद आए थे तो शायद आप उन फ्रंट लोगों में से थी। जी तो बताइएगा एक बार दोबारा अपने बारे में। जी मेरा नाम मुक्ता कुशवाहा है और मैं प्रयागराज से हूँ। और इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें मैं मतलब पहले दिन से शामिल हूँ। आज 59 दिन हो गया है और हमारा आंदोलन आज सड़कों पे उतर आया है क्योंकि गूंगी बहरी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अच्छा अच्छा मुझे याद है शुरू में शायद क्या आपका हाथ भी हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया है, देखिए टेढ़ा भी हो गया यहाँ से। अच्छा टेढ़ा हो गया है जी। अच्छा ये उसी टाइम फ्रैक्चर हुआ था जब पहली जी? हाँ जी, हम लोग भाजपा कार्यालय पे जब हम लोग गए थे अपनी बात रखने वहीं पे हाथ तोड़ा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज क्या हुआ आज और कल थोड़ा सा बताइए। कल आप लोगों ने विधानसभा घेराव किया था तो आज और कल क्या हुआ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए हम लोगों ने सुबह सुबह ही विधान भवन को घेरने का काम किया जहां पर हम लोगों के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई क्योंकि ये प्रशासन के द्वारा हमारे साथ किया गया मतलब आम बात हो गया है। और हम लोग को जबरदस्ती जबरन वहाँ से उठा के कहीं ले जाया गया जा रहा था जहाँ हम लोग रास्ते में हम लोग कूद के भागे और फिर हम लोग यहाँ आए। हम लोगों ने कुछ देर विश्राम करने के बाद हम लोगों ने फिर से वही सोचा कि हम लोग विधान भवन का घेराव करेंगे, लेकिन हम लोगों को फिर से प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया, बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग किया गया जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं और मुझे भी बहुत सारी चोटें आई। कल मैं बेहोश होकर गिर गई थी और फिर संभल के जब होश आया तो फिर हम लोगों ने फिर से वही किया कि अपने बात को रखने की हर तरह से कोशिश की गई। जहां पे ये बात हुई कि हम लोगों को सीएम जी से मिलाने की बात चल रही है और फिलहाल उन्होंने कल मतलब आज का समय दिया था लेकिन अभी तक मुलाकात की कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं हुआ है। हमें आज शाम तक की बात कही गई थी नहीं तो कल शायद दोपहर तक हमारी मीटिंग हो। अच्छा, हाँ आज हम लोग गए थे सपा वहाँ बसपा पार्टी बसपा कार्यालय जहाँ पे हम लोग मायावती जी से मिले। मायावती जी ने आपसे बात करी? जी हम लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम लोग मतलब वो हमारी बात को प्रमुखता से उठाएंगी, हमारा साथ देंगी क्योंकि पिछड़े दलित की लड़ाई वो लड़ रही हैं और हर तरह से हमारे साथ खड़ी हैं और जब उनकी सरकार आएगी तो हमारे साथ न्याय भी होगा। अच्छा, अच्छा मैडम आपने वॉलिनी पकड़ी हुई है, बताइए क्या ज़रूरत है वॉलिनी? सर हम लोग कल विधानसभा घेरने गए थे सुबह तो वहाँ हम लोगों के साथ बहुत बर्बरता की गई तो ज़बरदस्ती हम लोगों को जीप में उठा के फेंक दिया गया जिससे मुझे पीठ में चोट आ गई थी और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तब मैंने ये स्प्रे मंगवाया है मारने के लिए, बहुत सारे भाइयों को भी बहुत चोट लगी है तो उनके लिए हम लोग वॉलनी का यूज कर रहे हैं अपना दर्द कम करने के लिए। क्या करें, इतना पैसा तो है नहीं कि हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। अब बैठे हैं यहाँ पे हम लोग, देखते हैं कब तक न्याय मिलता है। मुझे लग रहा है आपको जुखाम वगैरह भी है सर्दी? भैया यहाँ पे ये देखिए मेरे एक भाई, आप देख लीजिए इनको डेंगू हुआ था और अब भी ये बीमार ही है लेकिन लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। क्या करें, मजबूरी है, हम लोगों को न्याय कहीं से मिल नहीं पा रहा है और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमें न्याय है। हम लोगों की इसमें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, सबको झेलते हुए हम इस और मेरा छोटा सा बच्चा है मैं छोड़ के आई हुई हूँ, वो रोज रोता है बस यही कहता मम्मी कब आओगी कब आओगी, रोज मैं उसे नया झूठ बता देती हूँ। अच्छा, अभी तो जो है धूप निकली हुई है, अभी थोड़ा मौसम सही है, रात को तो बहुत टेम्परेचर गिर जाता है। भैया हम लोगों ने 159 दिन हो रहे हैं, जब इतनी कड़ी धूप होती थी कि लोग कमरों में एसी में नहीं बर्दाश्त कर पाते थे तब हम लोग इसी को गार्डन में बैठ के दिन रात गुजार दिए। बरसात इतनी तेज होती थी, आंधी आती थी, हम लोग ऐसे भीगते हुए धरना दे रहे थे, पानी भरा था, हम लोग उस पानी में रहते थे, बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। अब सर्दी आ रही है, अब ये भी काट रहे हैं ना हम लोगों के पास, हमारे यहीं चले गए, मना लिए गए। अभी समझ लीजिए जहाँ हम लोग रहते हैं ना लेटने की व्यवस्था ना ओढ़ने के लिए हम लोगों के पास कोई व्यवस्था, बस किसी तरह काट रहे हैं, रातें गुजार रहे हैं बस इस उम्मीद से कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय की लड़ाई में अगर कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम देने को तैयार हैं लेकिन हमें न्याय चाहिए।